अब बहुत स्पेशल है हमारे लिए। We are singing the same song. पिक्चर की स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं थी, बट नवाजुद्दीन के तो बहुत अच्छी एक्टिंग थी। आउट ऑफ 5/3 नहीं रेकमेंड, नहीं दूसरी पिक्चर देख लो। अच्छा पिक्चर, यार पिक्चर शुरू में अच्छे सिनेमेटिक्स थे उसमें, पहले मुझको अच्छा लगा था, कुछ एक आध सिनेमेटिक्स अच्छे थे, फिर उसके बाद तो आज का उनने कर दिया हमारा ख़त्म ना, उनने कर दिया आज का। तो ओवर एंड ऑल अच्छी मूवी है, देख लो इसको, बढ़िया। बहुत ही खराब, मतलब अच्छा क्या था मूवी के अंदर ये तो बताओ। स्क्रीन प्ले खराब, डायरेक्शन खराब, लाइक मैंने पहले 5 मिनट को देख के अपने दोस्त को बोलते, मैंने कहा नहीं होने वाली है मूवी अच्छी, सो जा तू। हम रो में सारे दोस्त सो रहे थे, हमने फोटो खींच रहे एक दूसरे के एंड में आके, लाइक क्लाइमेक्स के दौरान मैं ऐसे अब आंखें खोलती हूँ, मैं सो गई थी मैं क्लाइमेक्स में, मैंने तो खोलने की कोशिश की, नहीं खोली, मैंने कहा सो जा, फिर रात भर क्यों जागे हम लोग, सुबह सुबह आना था, हम रात भर जाग गए, मैंने कहा भाई मत आओ। हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर की मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है टिक्की एंड शुरू। तो काफ़ी अच्छी मूवी देखने में लगी है, लेकिन भाई इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं है कि आप बार बार इसको देखो। चलिए बात करते हैं मूवी में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, मूवी की स्टोरी क्या है, मूवी का प्लॉट क्या है। तो मूवी की स्टोरी ज़्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मल सी स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले यार चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि भाई साधारण से रिव्यू लेकर आपके लिए आते रहते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी होते हैं वो एक 45 यानी कि 47 साल के आदमी होते हैं, और भाई इनकी जो शादी की उम्र निकलती जा रही है, उनके जो पेरेंट्स हैं वही इन पर शादी के दबाव मनाते रहते हैं, और भाई अवनीत कौर के लिए इसलिए रिश्ता जाता है। अवनीत कौर पहले तो मना कर देती है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के बाद भाई जो नवाज को हाँ बोल देती है, और भाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है नवाज को छोड़कर। लेकिन भाई अवनीत कौर को पता चलता है कि उनके बॉयफ्रेंड की भी शादी हुई हुई है, तो इसको लेकर भाई काफ़ी बवाल मूवी के अंदर देखने को मचता है। तो मूवी ओवरऑल बताओ यार, काफ़ी बवाल वाली मूवी होने वाली है भाई। इसमें आप कॉमेडी और भाई आपको बोल्डनेस देखने को मिलती है, जो कि भाई एक टिकटॉकर को उठाकर यहाँ पर बोल्ड सीन देते हुए दिख रहे होंगे। तो इसमें काफ़ी चौड़ा लंबा एक किसिंग सीन भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि यार एक 47 साल के 21 साल की लड़की के बीच में ये सब करा रहे हो, अमेजोन प्राइम वाला उनको भर भर के पैसे दे रहे हैं, लेकिन भाई ये सब अच्छा नहीं लगता। एक उम्र के लड़के के साथ एक ही उम्र की लड़की अच्छी लगती है। तो दोस्तों यार अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मैं मना ही करूँगा कि मूवी ना देखें, और भाई किसी को भी देखने के लिए ना बोलें, क्योंकि यार ये जनरेशन पर काफ़ी फ़र्क डालता है। अगर कोई भी लड़की या फिर लड़का देखता है तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा बाहियत होती है, क्योंकि यार लड़कों को तो आदत दे है देखने कच्चा बादाम सहन कर लिया उन्होंने, तो ये भाई अवनीत कौर क्या चीज़ है। तो दोस्तों यार काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मूवी है, कॉमेडी मूवी है, बस ये सब इसमें ठोसा हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं। इन्होंने भाई एक 47 साल के आदमी को एक 21 साल की जवान लोड़े के साथ दिखाया है, तो भाई कुछ नहीं। तो दोस्तों यार आप देख सकते हो अमेजोन प्राइम पर अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो, वरना तो यार आपको पता है टेलीग्राम जिंदाबाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ।